नहीं, आजकल देश में यही चल रहा है, संसद से लेकर के बंगाल तक और बंगाल से लेकर जापान तक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इतना जय श्री राम, इतना जय श्री राम हो रहा है कि भगवान राम ऊपर से खुश हो गए। बोले यार इतना जय श्री राम, इतना तो जब मैं लंका जीत के अयोध्या आया था तब नहीं बोला गया था जय श्री राम। प्रभु राम गदगद हो गए, खुश हो गए, बोले मेरा तो अवतार लेने का मन कर रहा है, इतना जय श्री राम। लेकिन राम जी कंफ्यूज हो गए कि अवतार लूं तो लूं कहां। जापान में अवतार लूंगा तो वहां पर तभी जय श्री राम बोला जाएगा जब मोदी जी जाएंगे। बंगाल में अवतार लूंगा तो वहां पर जय श्री राम तभी तक बोला जाएगा जब तक वहां चुनाव है। और झारखंड में अगर अवतार ले लिया तो हो सकता है कुछ लोग मुझे ही घेर के बोले बोल जय श्री राम। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि संसद में ही अवतार ले लेते हैं, ये सबसे सेफ जगह है और जय श्री राम बोलने वालों की मेजॉरिटी भी यहां ज्यादा है। पीछे से सीता जी ने समझाया हमने कि क्या कर रहे हैं आप, संसद में अवतार लेने की सोच रहे हैं। बोले क्या हुआ सीते, नहीं नहीं वहां पे तो जितने भी बैठे हुए हैं सब खुद अवतार लेके आए हुए हैं, वो जैसे दिख रहे हैं ना वो वैसे है नहीं, सब उनके अवतार हैं। अब प्रभु राम टेंशन में आ गए, जाएं तो जाएं कहां, अयोध्या में घर रेडी भी नहीं हुआ अभी तक। वन बचे नहीं है, वनवास भी नहीं जा सकते हैं, जाएं तो जाएं कहां। फिर उन्होंने सोचा कि सीता जी को बच्चों के साथ मायके भेज देते हैं, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। लेकिन फिर याद आया कि उनका मायका तो बिहार में है और बिहार में बच्चों की क्या हालत है। सीता जी कहने लगी प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आपने तो हमेशा दुष्टों का, बुरे लोगों का संहार किया है, मारा है, आप खुद क्यों कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे हिंदुस्तान फिर से वैसे ही हो जाए, आप बुरे लोगों का संहार क्यों नहीं करते हैं। तो प्रभु राम जी ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। आज के समय में मुझे यही नहीं समझ में आता है कि बुरा आदमी है कौन, जिसको देखो वही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जो जय श्री राम बोल रहा है तभी ये सब बातचीत चली रही थी कि अचानक ऊपर से प्रभु ने नीचे देखा कि एक आदमी को घेर के कुछ लोग मार रहे थे, वो जबरदस्ती उससे बोले बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। अचानक बिजली कड़की, बिजली नीचे गिरी, सारे लोग भस्म हो गए, सिर्फ उसको छोड़ करके जिसके साथ जबरदस्ती हो रही थी वो बच गया। माते सीते ने पूछा प्रभु ये क्या हुआ। बोले सीते ये जो इंसान है इसकी जान पे बनाई थी, जब इससे बोला गया बोल जय श्री राम तो बेचारा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, इसने दिल से बोला जय श्री राम। तो जो कोई भी दिल से जय श्री राम बोलता है प्रभु उसके साथ हमेशा है। और बाकी लोग जय श्री राम बोल नहीं रहे थे, उनका ध्यान मार मार के जय श्री राम बुलवाने पे था। तो जय श्री राम दिल में बसाने वाली चीज है, किसी को चिढ़ाने वाली चीज नहीं है।